पेटीएम को लेकर बड़ा अपडेट। कम होते डाउनलोड को देखते हुए शुरू किया प्रोग्राम। पेटीएम की बैंकिंग सर्विस पर बैन के निर्देशन मिलने के बाद यह संकट से गुजर रहा है। अगर आप पेटीएम यूज़र हैं तो इसे लेकर दिमाग में कई सवाल घूमते होंगे। बड़े संकट के बाद 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड द्वारा संचालित पेटीएम ऐप अब अपने यूज़र्स को वापस पाने के लिए ऑफर लेकर आया है। ऐप की नोटिफिकेशन के मुताबिक टॉप पर एक मैसेज, दोस्तों को पेटीएम यूपीआई पर वापस लाएं, और उसके नीचे रेफर एंड विन का ऑप्शन फ्लैश होता है। इनमें बोट, फार्मेसी और रिबॉक से लेकर ITC तक के कूपन शामिल हैं। ये सभी कस्टमर्स को 4,000 रुपये की डील्स जीतने का लालच देते हैं। इसमें व्हाट्सएप, SMS या यहाँ तक के QR कोड से रेफरल के माध्यम से इनवाइट तक के ऑप्शन दिए गए हैं। नियम और शर्तों के मुताबिक एक पेटीएम UPI यूज़र ऐप का इस्तेमाल शुरू करने के लिए अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट में से एलिजिबल लोगों को इनवाइट कर सकता है। एलिजिबल यूज़र्स की लिस्ट उनके पेटीएम ऐप पर दी हुई होगी। हालांकि प्रोसेस तभी पूरा माना जाता है और रिवॉर्ड्स के लिए एलिजिबल होता है जब यूज़र जिस व्यक्ति को रेफ़र करता है वह UPI से पेमेंट करे। इसके लिए कम से कम 1 रुपये का ट्रांजेक्शन करना होता है। आपको बता दें कि गुरुवार को पेटीएम को अपने UPI पेमेंट के लिए NPCI से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर लाइसेंस भी मिल गया। मल्टी बैंक मॉडल के अंतर्गत एक्सिस बैंक, HDFC, भारतीय स्टेट बैंक और यस बैंक पेटीएम के लिए पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर बैंकों के रूप में काम करेंगे। इसका मतलब है कि सभी UPI ट्रांजैक्शन अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बजाय इन बैंकों के माध्यम से किए जाएंगे। यह कदम 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर RBI की कार्रवाई के बाद घटते पेटीएम ऐप डाउनलोड प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर के जवाब में उठाया गया है।